प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर एक्सरसाइज 1.5। और क्वेश्चन नंबर फोर बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक रचना से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 को निरूपित कीजिए। तो संख्या रेखा पर हमें वर्गमूल 9.3 को दिखाना है। आइए देखते हैं प्रकार पेंसिल और स्केल की सहायता से हम इसको रचना को किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9.3 इकाई का एक रेखाखंड लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 9.3, क्योंकि हमारा स्केल के हिसाब से सेंटीमीटर ठीक रहेगा, तो हम 9.3, तो ये 9 हो जाएगा 9.3। तो यहाँ से हम एक 9.3 इकाई का एक रेखाखंड ले लेते हैं। ये हमारे पास, इसको हम नाम दे देते हैं ए, और यहाँ पे नाम देते हैं बी, ए पॉइंट और बी पॉइंट। और अब हम क्या करते हैं, इसको एक सेंटीमीटर इसको और आगे बढ़ा देते हैं। तो एक सेंटीमीटर जब इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ से हमें जो पॉइंट मिलता है उसको हम नाम दे देते हैं ओ। मैंने बताया था आपको कि इसका नाम ओ क्यों देना है। और इस रेखाखंड को हम थोड़ा सा और आगे तक बढ़ा लेते हैं ताकि हमें जो बाकी का काम है, जो संख्या रेखा की जरूरत पड़ेगी, हम उसको भी इस पे यूज़ कर सकेंगे। तो हम क्या करते हैं, अब एक एक सेंटीमीटर के इस पे बिंदु लगा देते हैं। तो ये हमने इस पे कुछ और बिंदु लगा दिए। तो अभी तक हमने क्या लिया, ए बी जो रेखाखंड है हमने वो 9.3 सेंटीमीटर लिया, और बी से लेके ओ तक, तो बी ओ जो हमारा रेखाखंड है वो हमने एक सेंटीमीटर लिया, एक इकाई। तो क्योंकि हमने हमारे स्केल के हिसाब से सेंटीमीटर ठीक रहता है तो हमने सेंटीमीटर में ये ले लिया। अब हमें क्या करना है, ए ए ओ को समद्विभाजित करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के, अब देखो पता चल जाता है कि यहाँ कहीं बीच में आधा होगा, तो हमने आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के एक बार ए पे रख के, हम क्या करेंगे एक बार ए पे रख के चाप लगा देंगे, जान रहे तो ये यहीं पे फिक्स रहे। एक बार ए पे रख के हम चाप लगा देंगे, और इसी तरह से एक बार हम ओ पे रख के और चाप लगा देंगे, ये हम इस तरह से। तो इस तरह से अब हम इसको मिला देंगे। अब हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम पॉइंट सी मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो सी ओ, ओ सी को केंद्र मान के और सी ओ ये त्रिज्या लेके हम एक अर्धवृत्त लगा लेते हैं। आप डॉटेड लगाना चाहो तो डॉटेड लगा सकते हो, और इसको कंप्लीट करना चाहो तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो ये हमने इस पे अर्धवृत्त लगा दिया। अब हमें क्या करना है, बी पॉइंट पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो बी पॉइंट पे 90 डिग्री का कोण आप चांदे की सहायता से भी बना सकते हो, आप चाहो तो चांदे की सहायता से बना सकते हो, और आप चाहो तो प्रकार की सहायता से बनाना चाहो तो प्रकार की सहायता से बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे चांदे की सहायता से जो 90 डिग्री का कोण है वो बनाएंगे हम यहाँ पे। अगर आप प्रकार इस तरह से आप 90 डिग्री का कोण चांदे की सहायता से बना सकते हो, अगर आप प्रकार की सहायता से बनाना चाहो तो इसको फिर प्रकार की सहायता से भी बना सकते हो। तो प्रकार की सहायता से बनाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इस तरह से इसको थोड़ा सा लेवल में कर लेते हैं, और यहाँ से अब अगर हम ये आप प्रकार कितनी भी खोल सकते हो, इससे कोई ज़्यादा सा फर्क हमें नहीं पड़ना। तो हम इस तरह से लगा सकते हैं, ये 60, ये हमारे पास 120, और एक बार यहाँ पे काट देंगे और एक बार हम यहाँ पे रख के ऐसे काट देंगे। तो यहाँ से हम इसको मिला देते हैं, तो ये हमारे पास कोण बन जाएगा 90 डिग्री का। तो ये हमारे पास यहाँ पे जब मिलेगा ये, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा डी पॉइंट।
और इस डी पॉइंट के साथ इस सी को भी मिला दो। वैसे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर हम क्योंकि हमें अपनी वेरिफिकेशन करनी थी तो इस वजह से इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। तो ये हमारा जो डी है, ये जो बी डी है हमारा, जो ये बी डी आया है, ये बी डी जो आया है, ये ही हमारा वर्गमूल 9.3 है, जैसा कि हमने अपने हमने अपने वीडियो में इसको प्रूव भी किया था। अब आपको संख्या रेखा पे दिखाना है इसको, तो संख्या रेखा पे दिखाने के लिए इसी वजह से हमने अब क्या करेंगे, हम बी डी के बराबर प्रकार खोल लेंगे, बी डी के बराबर हम प्रकार खोल लेंगे और इसको चाप को आगे बढ़ा देंगे। तो इस तरह से हम इस चाप को आगे बढ़ा देंगे यहाँ पे, तो ये हमने चाप को आगे बढ़ा दिया। अब आप देखेंगे कि ये जो बीडी था हमने इसको चाप को अब बीडी के बराबर हमने जो ये जो हमारा बीडी था इसको हमने आगे बढ़ा दिया है यहाँ पे। तो अब इसको जब यहाँ पे बढ़ाया है तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो आया है यहाँ पे इस जगह पे, तो ये हमारे पास ये जो आया है, तो ये जो हम रिप्रेजेंट करेगा ये वर्गमूल 9.3 को रिप्रेजेंट करेगा। आप चाहो देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक दो, यहाँ से यहाँ तक तीन, और ये तीन पॉइंट, क्योंकि 9 से हमें 3 मिलेगा तो ये 3 समथिंग हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको प्रकार पेंसिल और स्केल की सहायता से इसकी रचना कर सकते हैं। ये हमने इसको रफ प्लॉट किया है, अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं ये हुआ कैसे है ऐसे। अब आप देखेंगे कि हमारे पास ए बी रेखाखंड कितना था 9.3, बी ओ कितना था 1, तो ए ओ कितना था ए से लेके ओ तक 9.3+1 यानी कि 10.3, और हमारे पास सी ओ या ओ सी, सी को केंद्र मान के और सी ओ सी त्रिज्या तो ली थी, तो यानी कि इसका पूरे का आधा था किसका, ए ओ का, तो ए ओ का हाफ था, ए ओ हमारे पास 10.3 था और बटे में 2, तो ये 5.2×10, 2×1=2, 2×5=10 ये आ गया हमारे पास किसका मान आ गया, ओ सी का, ओ सी। और देखो ये कितना होगा हमारा, ये सी डी, सी डी हमारे पास कितना होगा, सी डी तो इस अर्धवृत्त की त्रिज्या ही है, तो सी डी का मान भी वही होगा जो हमारे पास ओ सी का मान होगा, तो ये 5.15 ही होगा। अब सी बी का मान देखो कितना होगा, या बी सी का मान, बी सी का मान, तो ये बी सी हमारे पास ओ सी का मान हमें पता है और ओ बी का मान पता है, तो बी सी हो जाएगा ओ सी माइनस ओ बी, ये हो जाएगा ओ सी 5.15 - 1 यानी कि 4.15। अब देखो बी सी ये हमारे पास 4.15 है और सी डी ये हमारे पास 5.15 है, ये दोनों आगे। अब समकोण त्रिभुज कौन सी, बी सी डी में 90 डिग्री का ये है, तो हमारे पास ये कर्ण होगा, तो कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो बी डी को हम एक्स मान लेते हैं, तो यानी कि एक्स का वर्ग प्लस 4.15 इसका वर्ग किसके बराबर होगा, 5.15 इसके वर्ग के बराबर होगा, तो एक्स का वर्ग प्लस 4.15 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रही है 75, 20 और फिर करेंगे 415 और फिर करेंगे 60 और 16 क्या गया 5, 12, 2, 1 और 1, 2, 10, 12, 2,
सात एक, तो 4.15 था, तो 4 के बाद हमारे पास दशमलव लग जाएगा, तो ये तो इससे मिल गया। ठीक, इसी तरह से हमारे पास 5.15, तो 5.15 है, 75 25, और ये 515, और ये फिर 75 25। अब यहाँ पे 5 12 2 12 2 1 एक आ जाएगा, 5 7 12 2 14 1 15 5 6 2 यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 17.2225 और ये 26.5225। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, इसमें से 26.5225 माइनस 17.2225, अब माइनस कर दो, 26.5225 में से 17.2225 हमने इसमें से माइनस कर दिए, 0 0 0 3, 16 में से 7 9 और ये 0। तो अब देखो हमारे पास क्या क्या बचा, एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया, एक्स स्क्वायर 9.3, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर अंत में 0 हो तो उसका कोई मान नहीं होता, उसको हम छोड़ सकते हैं, उसकी वैल्यू मीनिंगलेस है। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, वर्गमूल 9.3। वैसे तो हमें यहाँ पे प्लस माइनस लिखना होता है, लेकिन जो लंबाई है वो लेंथ है जो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इस वजह से हमें प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। और एक्स हमने किसको मानना था, बीडी को मानना था, तो हमारे पास जो बीडी है वो कितना आ गया, 9√3। तो ये हमारे पास, हमने इसको मैथमेटिकली प्रूव कर दिया है। यानी बच्चों अब इसको प्रकार